और क्या हाल चाल है मेरे शेयर लोग, सब कुछ बढ़िया ना। तो भाई लोग, आज बेसिकली कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, ना ही टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बात होगी। होगी लास्ट में थोड़ी सी होगी, लेकिन आज का वीडियो कुछ अलग है। आज बेसिकली मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं। किससे? खुद से। मैंने कभी खुद को आपसे मिलाया ही नहीं। मैं कौन हूं, कहां से आता हूं, नहीं पता आप लोगों को, आज बताऊंगा। मेरा पूरा नाम है दीपू दास, मैं बिलोंग करता हूं पूर्व वर्धमान का अंबिका कालना शहर से। अगर आप अंबिका कालना को पहले से ही जानते हैं तो आपको पता रहेगा कि उधर सारे लोग बंगाली हैं, मतलब मैक्सिमम लोग बंगाली हैं, और उन मैक्सिमम लोगों में मैं भी आता हूं। जी मैं बंगाली हूं, लेकिन मुझे हिंदी बोलना पड़ता है। क्यों बोलना पड़ता है वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। फिलहाल मैं अपना एजुकेशन स्टेटस की बात करूं तो मैं अपना कॉलेज ड्रॉप आउट कर चुका हूं। एजुकेशन के नाम पे मेरे पास बस 12th, 10th और कॉलेज पास आउट का एक डिग्री है, तीन डिग्री है सॉरी, एक नहीं, जो कि घर में ऐसे कागज वगैरह की तरह पड़ा हुआ है, कोई काम का है नहीं। इसलिए मैं YouTube पे आ गया, सोचा कि इधर से ही कुछ बनाएंगे। लेकिन दिक्कत यहां पर यह हुआ कि सालों बीत गए, मेरे साथ कुछ रेवोल्यूशन हुआ ही नहीं। आप ये वाले चैनल के लास्ट वीडियो में जाइए, देखेंगे आप लगभग एक साल से थोड़ा सा ऊपर होगा शायद, वीडियोज आपको मिल जाएंगे। यानी कि एक साल से मैं इस चैनल पर घिस रहा हूं। इससे पहले भी मेरा एक चैनल था दीप ओबरॉय करके, आप अभी भी YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो चैनल अभी भी है। तो उधर भी मैं टेक्नोलॉजी के बारे में ही वीडियो डाला करता था। उधर भी मेरे शायद से 110 या कुछ वीडियोस है, 108 के आसपास कुछ सब्सक्राइबर हुए थे। लेकिन बंगाली के मुकाबले मुझे हिंदी में रिसोर्सेज और ऑडियंस ज्यादा लगा, इसलिए मैं हिंदी में शिफ्ट हो गया, और इसीलिए मेरे को हिंदी जबरदस्ती बोलना पड़ता है। बाकी फिलहाल मैं अपनी स्टेटस की बात करूं तो मैं फिलहाल उत्तरपाड़ा में रहता हूं, कलकत्ता के उत्तरपाड़ा में, भाड़ा में। और पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है जिसलिए मेरे को काम करना पड़ता है। KFC में मैं काम करता हूँ, उत्तरपाड़ा KFC में एज अ कैशियर। मैं 8-9 घंटा वहां पर ड्यूटी करता हूँ, और बाकी मेरा बेसिकली नाइट शिफ्ट रहता है। बाकी मॉर्निंग का जो टाइम है सो के उठने के बाद मैं ये सब वीडियो वगैरह बनाया करता हूँ। अब बात आती है भट्टा मारने की, कि इतने दिनों से 16-17 दिन या फिर एक महीना धरते, पिछले एक महीने से मैं इतना ज्यादा इरेगुलर हो गया हूं, इतना इररिस्पॉन्सिबल हो गया हूं अपने चैनल को लेके, कि टाइम पे वीडियो तो छोड़ो, मैं एक कम्युनिटी पोस्ट तक नहीं करता कि हैप्पी दिवाली दोस्तों। देखिए, इरेगुलर वीडियोस आने के पीछे बेसिकली तीन रीजंस हैं। पहला कुछ फैमिली और पर्सनल प्रॉब्लम है, दूसरा है मेरा तबीयत, और तीसरा हूं मैं खुद। पहला दो रीजन शायद आपको क्लियर हो गया रहेगा, तीसरा वाला मैं क्लियर कर देता हूं। मैं इसलिए क्योंकि मैं अपना जो पेशेंस है वो धीरे धीरे खो रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है। दिक्कत ये हो रहा है कि ठीक है, मुझे पता है कि 1-2-3 साल में इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन क्वांटिटी में अगर आप देखेंगे मेरे चैनल पे काफी सारे वीडियोस है, मतलब 400-500 वीडियोस के आसपास, 477 या मैं गिनता नहीं हूं, ऐसा ही शायद लास्ट टाइम देखा था 470-72 के आसपास कुछ वीडियोस था इस चैनल पे। तो 400 वीडियोस कोई मजाक नहीं होता, मतलब कुछ वैसा रिस्पॉन्स मेरे को नहीं मिला एक भी वीडियो में। मतलब हाँ आया है, मैक्स टू मैक्स मेरे को 20-22 के कुछ व्यूज मिला है, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से मैं बहुत वीडियोस डाल चुका हूं। अब थोड़ा देखिए, मैं आपको पहले ही बताया हूं कि मेरा इससे पहले भी एक और चैनल था, उधर भी मैं एक साल और दिया हूं अपना, उसमें तो और हाल खराब था, इसीलिए मैं हिंदी में शिफ्ट हुआ। हिंदी में कंपेरेटिवली बेटर रिजल्ट मुझे मिल रहा है बंगाली के कंपेरिजन में, ठीक है। तो मैं मतलब कहीं ना मेरा पेशेंस लूज हो रहा है, यही दिक्कत हो रहा है मेरे को। और एक टाइम था ना, मैं ये KFC का जॉब लगभग 2-3 साल से कर रहा हूं, और एक टाइम था मेरे को कि मैं जब कालना में रहता था 1-1.30 बजे घर जाता था, उसके बाद जाके शूट करता था, कि मैं सुबह को ड्यूटी निकलूंगा तो मेरे पास रॉ वीडियो रहना चाहिए एडिट वगैरह करने के लिए। ट्रेन में आता था तो मैं एडिट कर लूंगा, मतलब इतना एनर्जी था मेरा तब। लेकिन अभी की बात करूं, मतलब KFC से मेरा घर लगभग हार्डली 20 मिनट होगा, मैं जहां पे काम करता हूं उससे मैं जहां पे रहता हूं उसका डिस्टेंस बता रहा हूं, हार्डली 20 मिनट होगा। इतना सा डिस्टेंस में आके मैं सो के उठ के मेरा वीडियो बनाने का दिल नहीं करता, ऐसा हो गया है मेरे साथ। मैं मतलब मुझे पता है मेरा रिसोर्सेस कम है, लाइटिंग वगैरह थोड़ा खराब है, मेरा कालना वाला घर का थोड़ा बेहतर था, बाकी छोड़िए जो हुआ हुआ,
मैं गिव अप नहीं कर रहा हूं और कभी करूंगा भी नहीं, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो कभी ना कभी तो होगा, उतना दिन तक मैं वेट करूंगा। डेली वीडियोस अब से मैं वापस से लाने की कोशिश करूंगा जैसे मैं पहले लाता था, एक दो दिन लेट हो जाता था लेकिन तीसरे दिन वीडियो आता ही था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा मैं इरेगुलर हूं, तो वो चीज ना हो उसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी नए इंप्लीमेंट्स की बात करें तो दोस्त आपको तो पता ही है कि मैं टेक्नोलॉजी फील्ड में काम करता हूं, और अगर आपने मेरा चैनल को ध्यान से देखा होगा तो मेरे वीडियोस का 98% सारे के सारे स्मार्टफोन्स के ऊपर है, ज्यादातर स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। उसके बाद अपकमिंग वाले वीडियोज हो गए, अंडर वाले वीडियोज हो गए, ठीक है, यही सारे कुछ है, और थोड़े मोटे वीडियोज है ज्ञान वाले। लेकिन अब मैं सोचा हूं कि नहीं, स्मार्टफोन्स के अंदर ही इसको लिमिटेड नहीं रखना है, जो चीजों के बारे में मेरे को पता नहीं है, जैसे कि स्मार्ट वॉचेस हो गया, स्मार्ट टीवीज हो गया, लैपटॉप हो गया, स्पीकर हो गया, हेडफोन ईयरफोन वगैरह हो गया, डीएसएलआर हो गया, ट्रिमर वगैरह हो गया, ये सारी चीजों के बारे में मैं नॉलेज लूंगा और आपको बताऊंगा। बस होपफुली आपको ज्यादा बोर नहीं किया होगा। वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, नहीं पसंद आता तो आज सब्सक्राइब मत कीजिए, क्योंकि आज बोलने वाला मुंह है नहीं मेरा। बाय।